नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चीन ने, अगर मैं ये कहूं कि अपना सूरज बना लिया है, जी हां अपना सूरज, तो फिर आप क्या कहेंगे। और उस सूरज की जो ताकत है, प्रकाश उसमें है, वो बताया जा रहा है कि 10 गुना ज्यादा तेज है। अगर जो आप नेचुरल सन की बात करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा तेज है ये आर्टिफिशियल सन, क्योंकि ये चाइनीज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। और चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ये लंबी छलांग मारी है, क्योंकि इसकी जो ताकत बताई जा रही है, आप सोचिए, वो ओरिजिनल जो कि नेचुरल सन है उससे 10 गुना ज्यादा बताई जा रही है। इसमें एक और चीज कि परमाणु, ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये रिएक्टर को, इसको पहली बार शुरू कर दिया गया है। और इस रिएक्टर से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा की जा सकती है कि इसे आर्टिफिशियल सूरज कहा गया है। इसकी मदद से चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी रिसर्च की क्षमता को बढ़ाया है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर और इसका आखिर फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि HL2M टोकामाक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है। और इससे जो फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, इससे जो ताकत निकलेगी, वो जैसा कि मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा था कि 10 गुना ज्यादा है नेचुरल सन के मुकाबले। इसमें सबसे बड़ी जो बढ़त चीन को मिल रही है वो ये कि 2006 से ही उसने इसका काम शुरू कर दिया था और ये प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा किया जा सकता है। 2025 में जब ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा, तो आप सोचिए कि इस बड़ी एनर्जी का चीन को कितना फायदा मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा रिएक्टर भी है जिसे दुनिया में अभी और कोई भी देश जो है इस तरफ आगे नहीं बढ़ सका है इतनी ताकत के साथ। और इसके लिए चीन अगर आने वाले 5 सालों में सारे के सारे टेस्ट सक्सेसफुली अटेन करता है, सारे के सारे टेस्ट सक्सेसफुली पास करता है, तो फिर आप देखेंगे कि चीजें जो हैं वो इस तरह से आगे बढ़ेंगी कि ये जो आर्टिफिशियल सन है ये पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा। और ये चीन के लिए अपने आप में किसी बड़ी ताकत से कम नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन अपने आप में दुनिया इस ओर बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।